नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और फिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें गुरुग्राम में एक नाबालिका के घर एक सिरफिराशी कट्टा लेकर पहुंच गया और कट्टा कनपट्टी पर लगाकर 16 वर्षीय नाबालिका से शादी करने की जिद करने लगा। जी हाँ, दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक सिरफिरे आशिक के हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें ना केवल हैरान करने वाली हैं बल्कि बेहद डरावनी भी हैं। दरअसल गुरुग्राम के भवानी एनक्लेव में एक सिरफिरे आशिक नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हरियाणा में घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और फिर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें गुरुग्राम में एक नाबालिका के घर एक सिरफिरे आशिक कट्टा लेकर पहुंच गया और कट्टा कनपट्टी पर लगाकर 16 वर्षीय नाबालिका से शादी करने की जिद करने लगा। जी हाँ, दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक सिरफिरे आशिक के हाई वोल्टेज ड्रामा की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें ना केवल हैरान करने वाली हैं बल्कि बेहद डरावनी भी हैं। दरअसल गुरुग्राम के भवानी एनक्लेव में एक सिरफिरे आशिक तमंचा लेकर पहुंच गया और बोला कि या तो उसकी शादी 16 वर्षीय नाबालिका लड़की से करा दी जाए, नहीं तो वह खुद को गोली मार लेगा। पुलिस ने सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखे वीडियो, युवक कैसे अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर लड़की से शादी करने की जिद कर रहा है, पहले देखिए आप। भीतर जा लिया गे। मैं बैठता हूँ अकेला बैठता हूँ, मेरे साथ बात कर। चांदनी को फोन मिला रहे, चांदनी के भीतर से फोन बात करें। हम तेरे को चाहिए फोन से बात कर, चांदनी आ जाएगी। डॉक्टर से क्या कह रहे हो आप? कनपट्टी से हटा ले, हाथ दब जाएगा जल्दबाजी में। जल्दबाजी में बावली बात नहीं कर रहे, कैसी लग जाएगी? तू नहीं जानता, नहीं विश्वास कर रहे पीछे में। मैं अरे दब जाएगा, समझा कर बात को, इसको हटा ले बेटा, कनपट्टी से हटा ले इसको। गुरुग्राम के सेक्टर 9A थाना क्षेत्र के भवानी एनक्लेव गली नंबर 4 में शुक्रवार को एक सिरफिरे आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नाबालिग युवती से शादी करने के लिए युवक देसी कट्टा लेकर उसके घर पहुंच गया। किशोरी के माता पिता के विरोध करने पर आरोपी ने पिता पर फायर कर दिया, हालांकि वह बाल बाल बच गई। करीब एक घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद आरोपी काबू में आया। पुलिस ने आरोपी विपिन के पास से देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किया है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से यूपी के इटावा निवासी विपिन फिरोज गांधी कॉलोनी में किराए पर रहता है। कुछ दिनों पहले वह भवानी एनक्लेव में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को शादी के लिए भगा कर ले गया था, लेकिन बाद में किशोरी के नाबालिग होने के चलते वह शादी नहीं कर पाया और उसे वापस उसके घर पर छोड़ दिया। शनिवार सुबह करीब 10 बजे वह देसी कट्टा लेकर भवानी एनक्लेव गली नंबर 4 स्थित किशोरी के घर पहुंच गया। घर पर किशोरी की मां और पिता थे। सिरफिरे आशिक ने किशोरी से शादी करने की बात कहते हुए मिलने के लिए बोला तो उसके परिजनों ने इनकार कर दिया। किशोरी की मां ने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा तो उसने कट्टा निकाल लिया और शादी करने की बात पर अड़ा रहा। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए। परिजनों के ज्यादा विरोध करने पर गुस्से में आकर उसने किशोरी के पिता पर फायर कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई है। एक घंटे तक यह ड्रामा चलता रहा। मौके पर पहुंची सेक्टर 9A थाना पुलिस की टीम ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद पुलिस ने लोगों की मदद से युवक को काबू कर लिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।